पानीपत औद्योगिक नगरी में पिछले 17 दिन से लगा है ताला, जिससे नाराज व्यापारी व कर्मचारी सोमवार को सड़कों पर उतरे और नाराजगी जाहिर की। पिछले 17 दिनों से फैक्ट्रियां बंद होने के बाद भी उन्हें ही प्रदूषण का जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, जिसके चलते औद्योगिक क्षेत्र में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और हर दिन करोड़ों का घाटा हो रहा है। वहीं मजदूर को अपना चूल्हा चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और व्यापारियों ने सोमवार को उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा है कि अगर आज उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कल फिर अपने परिवार और श्रमिकों के परिवार के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी सरकार की फेलियर है, उनके हमारे जो EPC है, जो इन्हें पूरी टीम को पूरी फैक्ट्रियों को बंद करवा के रख दिया है, आतंक मचा रखा है। मौसम खराब दिल्ली में होता है, गैर पानीपत में होता है। जो सोनीपत में इंडेक्स ठीक है तो पानीपत का क्यों खराब है? यह ऐसा कौन सा तरीका है कि हमारी हवा सोनीपत में खराब नहीं करती, दिल्ली को करती है? ऐसी क्या सिस्टम है? आज हमारी 16 दिन से फैक्ट्री बंद है और आगे का हमें पता नहीं क्या होगा। हम आज कैसे लेबर को तनख्वाह देंगे? इन जो 5 लाख वर्कर काम करता है पानीपत में, इनका क्या होगा? इनका कौन देगा? हमारी बैंकों किस्त कौन देगा? हम सरकार को चाबियां दे देते हैं और फैक्ट्री बंद कर देते हैं कि भाई अपनी बैंक की किस्तों भर दो, हम अपने घर बैठ जाते हैं। इन 5 लाख वर्कर को आप संभालो। लोग कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, कहाँ का स्टार्टअप है? तो खत्म करने वाला इंडिया हो गया है और NCR के नाम पे बंद कर दिया गया है, क्लोज अप इंडिया के नाम पे हो गया, और चाइना वगैरह वहां से माल खरीदो। भेदभाव किया जा रहा है। करनाल में तो फैक्ट्रिया चल रही है, वो भी NCR में है, और पानीपत में बंद कर दिया है। ऐसे हमें क्यों कर दिया गया है? और हवा जब पानीपत की हवा ठीक है तो पानीपत की फैक्ट्री क्यों बंद कर दिया गया? ये हमारी मांग है। और पानीपत को NCR से बाहर निकालो, ये भी डिमांड है। 20 तारीख से पानीपत के सारे उद्योग बंद हैं, लेकिन प्रदूषण लेवल कम नहीं हो रहा है और बार बार इंडस्ट्री को ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज फैक्ट्रियां बंद हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अगर आप आज का भी AQI देखेंगे तो वो पिछले दिनों से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि उद्योग जिम्मेदार नहीं है। हर उद्योग की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है, उसके बावजूद उन्होंने हमारे उद्योग बंद कर दिए। उद्योग बंद करे पानीपत तक के, पानीपत के आगे के सारे उद्योग चल रहे हैं। है तो कंपटीशन का ज़माना, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे मजदूर 5 लाख मजदूर हमारे 15 दिन से खाली बैठे हैं। उन 5 लाख मजदूरों को रोजी रोटी कौन देगा? करोड़ों रुपए का लोन लेके हम लोग चला रहे हैं। मोदी सरकार ने कहा मेड इन इंडिया, हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं था, हमने मोदी सरकार से प्रभावित होकर मेड इन इंडिया शुरू करा, लेकिन आज हमारे को क्या फ़ायदा मिल रहा है मेड इन इंडिया का? कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है मेड इन इंडिया का। उद्योग जब मर्जी बंद करा देते हैं। आपको उद्योग बंद कराने हैं, आप तरीके से कराइए। 6 तारीख की रात को नोटिस आएगा, 7 सुबह से बंद है, 8 को के लिए हमारे मोदी सरकार कह रहे हैं। कैसे बनेगी? कौन देगा इन 5 लाख मजदूरों को? आज मजदूर हमें लेकर आए हैं, हम मजदूरों को लेकर नहीं आए हैं भाइयों। ये मजदूर है जो भूखा मर रहा है, हम तो और 10 दिन अपने पास से खा लेंगे, मजदूर कैसे खाएगा, कौन सुनेगा उनकी? मैं सिर्फ कंबल व्यापार की बात करूं तो पानीपत में डेली 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का कंबल व्यापार होता है। इसके साथ कंबल जो पानीपत की मेन आइटम है, उसके बाद चदरें बनती हैं, उसका 20 से 50 करोड़ का व्यापार होता है पानीपत में, धागा बनता है। सारे उद्योग बंद करा दिए। उद्योग बंदी एक समस्या है और समस्या का समाधान समस्या से कभी नहीं हो सकता। समस्या का समाधान लाइए ना। आपके पास प्रदूषण एक समस्या है, उसकी दूसरी समस्या आप उद्योग बंदी कर दीजिए, ये कैसे होगा? समस्या का तो हल लाना पड़ेगा ना। दूसरी समस्या खड़ी कर दी, कहाँ लेकर जाए इतने आदमियों को? कब तक मैं अपने पास से खिलाऊंगा? लोन लेकर हमने, कर्जा लेकर अपना घर बार सब गिरवी रखकर हम चला रहे हैं, कहाँ से बैंक का ब्याज भरेंगे, कैसे किस्त भरेंगे? आज भी मजदूर भाई कहेंगे उनको रोजी रोटी सरकार दे, हमारे बैंक की किस्त सरकार भरे, हमारे को कोई मुनाफा नहीं चाहिए, बैंक की किस्त सरकार दे, बिजली का बिल सरकार दे, मजदूरों को रोटी दे सरकार, सरकार कहे 1 महीना बंद करो, हम 1 महीना बंद करेंगे। पानीपत से अर्थ प्रकाश के लिए मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।